हेलो फ्रेंड्स, आई मनोज, वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिस। गाइस, मैं डेली 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके आता हूँ जो कि फुली बिहार दरोगा मेंस के पैटर्न पे आधारित है। और गाइस, इसे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर वाले भी देख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? सो फ्रेंड्स, वन का आंसर होगा डी, वीरभूमि जिले में स्थित है। गाइज, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसके कुलाधिपति प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट टू नंबर क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सो फ्रेंड्स, टू का आंसर होगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? सो फ्रेंड्स, थ्री का आंसर होगा सी, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। गाइस, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? सो फ्रेंड्स, 4 का आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। गाइज, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920-22 में चलाया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सो फ्रेंड्स, 5 का आंसर होगा ए, नागपुर अधिवेशन में। गाइस, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? सो फ्रेंड्स, 6 का आंसर होगा सी, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। गाइस, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी कहाँ? सो फ्रेंड्स, 7 का आंसर होगा सी, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। गाइज, 1798 में जवान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, नस्तालिक है क्या? सो फ्रेंड्स, 8 का आंसर होगा ए, नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सो फ्रेंड्स, 9 का आंसर होगा सी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। गाइस, जौनपुर जो पूर्व का सिराज नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, 10 का आंसर होगा ए, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। गाइस, यहाँ पे बात कृष्णदेव राय की हुई है, तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और गाइज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहरम बुक्का ने 1336 में। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? सो फ्रेंड्स, 11 का आंसर होगा डी, भास्कराचार्य थे। गाइज, भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, जो 4 भागों में विभाजित है। और ये हैं लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? सो फ्रेंड्स, 12 का आंसर होगा बी, शिव को समर्पित है। और गाइस, इस मंदिर का निर्माण शैली नागर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सो फ्रेंड्स, 13 का आंसर होगा ए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? सो फ्रेंड्स, 14 का आंसर होगा सी, प्रतिदिन पद अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड्स, 15 का आंसर होगा बी, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द क्या है? सो फ्रेंड्स, 16 का आंसर होगा डी, संकालु। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द क्या है? सो फ्रेंड्स, 17 का आंसर होगा बी, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड्स, 18 का आंसर होगा बी, छंद 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है क्या? सो फ्रेंड्स, 19 का आंसर होगा सी, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? सो फ्रेंड्स, 20 का आंसर होगा डी, क्यू शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? सो फ्रेंड्स 21 का आंसर होगा ए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? सो फ्रेंड्स 22 का आंसर होगा डी, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? सो फ्रेंड्स 23 का आंसर होगा ए, कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सो फ्रेंड्स 24 का आंसर होगा ए, कनाडा में निकेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट और लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? सो फ्रेंड्स 25 का आंसर होगा बी, 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम एक स्टूडेंट के पास शेयर तो जरूर ही करें, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।